Hi guys, it's Shreya here and welcome or welcome back to my channel Beauty and the Code. So like you can see, I am going to be reviewing two perfumes today. One is a perfume oil and one is perfume, and this is called as Shanaya perfume from Adil Qadri. Now Adil Qadri is an Indian perfume house which got very very famous after he appeared on Shark Tank, and wahan se unka journey फेमस होने का जर्नी स्टार्ट हुआ एंड शनाया हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन इंडिया. नाउ इट कम्स इन टू वेरियंट्स, वन इज अ परफ्यूम ऑयल विच लुक्स लाइक दिस एंड वन इज अ परफ्यूम बॉटल. आई हैव अ स्मॉलर बॉटल, आई थिंक दिस इज एक 50 ml बॉटल, एंड इसका बड़ा 100 ml बॉटल भी आता है. साइजेस अवेलेबल हैं. तो मैंने ये दोनों परचेज किया. आई वॉन्टेड टू शेयर माई रिव्यू विथ यू गाइज, सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है विद द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि मैंने मेंशन किया, आदिल कादरी गॉट फेमस बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, और उसके बाद से यू नो ही हैज सिंगल हैंडेडली काइंड ऑफ पुल्ड इन ऑल द यूथ टू अगेन स्टार्ट लविंग द कल्चर ऑफ इत्र या परफ्यूम ऑयल. यू नो आज की जनरेशन उतनी अप्रिशिएटिव नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है परफ्यूम ऑयल्स को लेकर. तो यूथ को वो परफ्यूम ऑयल रीइंट्रोड्यूस कराना एंड दैट कल्चर रीइंट्रोड्यूस कराना वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम आदिल कादरी. एंड द परफ्यूम ऑयल शनाया दैट इज क्रिएटेड इज काइंड ऑफ समथिंग विच अ यूथ एज वेल एज अ पर्सन ऑफ एनी एज कैन इंजॉय. लाइक इट हैज दैट काइंड ऑफ अ फील टू इट. सो आदिल कादरी हैज रियली डन अ गुड जॉब इन इंडियन मार्केट टू ब्रिंग इन दैट लक्जरी ऑफ परफ्यूम ऑयल एंड इतर बैक इन टू द परफ्यूम इंडस्ट्री, स्पेशली इन इंडिया. तो आदिल कादरी का शनाया कम्स इन दिस बॉक्स. यहाँ पे क्वालिटी स्टिकर आगे और पीछे दोनों तरफ प्रेजेंट है. व्हाई? बिकॉज आदिल कादरी का ये जो परफ्यूम है, इसके बहुत सारे फेक रेप्लिकास भी मार्केट में आ चुके हैं. सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर परचेसिंग शनाया, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप अमेजोन या आदिल कादरी के प्रॉपर वेबसाइट से ही इनको ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि यू नो यू जस्ट डोंट वेस्ट ऑन समथिंग दैट इज नॉट ओरिजिनल. एंड बॉक्स के अंदर दिस इज हाउ द केस इज इन विच द परफ्यूम ऑयल इज सिटिंग, एंड यहाँ पर वो जो रोल ऑन होता है ये इन्होंने अलग से प्रोवाइड किया है. उसका रीजन ये होता है कि जब आप परफ्यूम ऑयल यूज करते हैं तो रोल ऑन से परफ्यूम ऑयल लीक होना स्टार्ट हो जाता है. टू अवॉइड दैट दे हैव गिवन दिस स्टॉपर. तो वैसे इसमें ये स्टॉपर है, और आप जब रेगुलरली यूज कर रहे हो, आप स्टोरेज में नहीं रख रहे हो अपने परफ्यूम को, यू रियली वॉन्ट टू यूज इट ऑन एवरीडे बेसिस, तब आप ये स्टॉपर को रिमूव करें एंड ये जो रोलर बॉल है ये आप इसमें फिट कर दीजिए. तो आई विल फिट इट फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं रोलर बॉल लगाने के बाद दिस इज हाउ द परफ्यूम ऑयल लुक्स लाइक, एंड यू जस्ट हैव टू यूज दिस टू अप्लाई इट ऑन योर पल्स पॉइंट्स. ठीक है, दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड वे ऑफ अप्लाइंग द परफ्यूम ऑयल. तो इसकी ऐसी क्या खासियत है कि दिस हैज बिकम सो फेमस इन द इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री? सो बेसिकली शनाया परफ्यूम हैज अ वेरी गॉर्जियस चॉकलेटी, रोजी, वुडी, एम्बरी एंड स्वीट फील. सो I find this to be very sweet, balanced in florals, and also has lot of warmth in it. The chocolate note in Shanaya comes out very, very prominent. It is not something which is like sitting in the background. No, it's a very chocolatey forward fragrance. So chocolate mixed with different things kind of converts it into like a flavored Cadbury, rose flavored Cadbury sort of a situation. It kind of gives that feel. It opens up with rose, pimento and saffron. For me, saffron is definitely playing in the background. I don't get very strong wisp of saffron, but rose is pretty dominating in this perfume. And it has agarwood ya oud, caramel, floral notes and patchouli, base notes of raisin, amber, woody notes, incense and musk. So you can see the heavy notes that are there in the base notes. Like that is just a lot of warm, lot of mature notes out there. And this perfume overall has a very kind of like a young opening and a very mature base note to it. So the journey of this fragrance is kind of like catering to all age groups. Now this perfume is kind of a very sweet and has a very warm feel to it. So summers mein उतना अच्छा निखर के ये नहीं आता. थोड़ा सा इवनिंग टाइम, नाइट टाइम में या विंटर्स में या बारिश के सीजन में शनाया परफ्यूम ऑयल काफी खिलकर आता है. इफ यू आर समवन जिसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखे हैं अरेबिक परफ्यूम्स,
उनके लिए शनाया ऑयल इज नॉट लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग, इट्स नॉट लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड गुड. जैसे मुझे ऊद कैरमल ऊद मोड इस टाइप के लताफा के फ्रेग्रेंसेस के साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. आई नो हाउ रोजी सैफरन ऊद कॉम्बिनेशन स्मेल्स लाइक. सो आई जस्ट फील दैट दिस इज अ चॉकलेटी ट्विस्ट ऑन ऑल ऑफ दैट. सो फॉर मी शनाया परफ्यूम इज गुड, बट आई डोंट फाइंड इट एक्सेप्शनल बिकॉज आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ DNA विच इज वेरी कॉमन इन द मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस. अगर आपको मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स के साथ उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इतर के साथ उतना एक्सपीरियंस नहीं है, शनाया कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस हाउ अ मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस वुड स्मेल लाइक. दिस इज हाउ एवर अ मॉडर्न टेक ऑन द मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस. नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग, शनाया का 12 ml का ये अत्तर करीब 900 rupees का है. इसका 6 ml का बॉटल भी आता है विच इज अराउंड 600. तो प्राइसिंग वाइज आई थिंक इट इज क्वाइट गुड. थोड़ा सा हायर साइड पे है क्योंकि अगर आप लोकल स्टोर में जाके कोई इत्र परचेस करोगे तो थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा. सो डेफिनेटली इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है एंड आई थिंक दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाउ फेमस इट गॉट एंड यू नो द हाइप अराउंड दिस परफ्यूम जस्ट गॉट टू रियल इन इंडिया एंड दैट्स वाई द प्राइसिंग हैज इंक्रीज्ड. This attar bottle is a very standard attar bottle. I've seen better bottles in the market. Overall, the presentation is good. Overall, the perfume oil is good. Now, coming to longevity and performance, this one gives me around 6 hours, and I do kind of take the oil on my clothes. Like I take some on my hand. I use this roller ball, use it on my hand, dab, and then I go like this. This is usually like this. And this is usually the technique that I use to apply the perfume oil. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि pulse point पे सिर्फ लगाकर मुझे उतना इसका effect नहीं मिलता. So going like this and this is something that works out better for me. ये काफी projective है. मैं जब भी इसको लगा के ऑफिस गई हूँ या फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हूँ, I've gotten compliments. मैं एक बार इसको लगाकर I went to supermarket and one lady just she came to me and she asked, you are just smelling so good and what are you wearing? So I kind of got compliments even from people that I didn't know. So I kind of like that it has a good scent bubble around me. It has a strong scent bubble and it is projective. So overall, I feel that Shanaya Attar ka performance acha hai. Indian weather mein it really performs well. It is projective, it is long lasting, the sillage is good and it kind of has a very Indian feel to it. It's good for Indian festivities, it's good for casual wear, like I wear it casually, but I feel that this is something that people who are not very into Middle Eastern fragrances, for them this is a good start, and also this is very appropriate for shadi parties and Indian festivities mein. This just has a very warm and cozy vibe to it. Now, notes breakdown I have already shared, so I just wanted to show you that this is the perfume version of this one. This is the box in which it comes, and this is basically the case in which it comes. I don't really like the packaging for the perfume bottle, like I find it to be slightly flimsy, but it's okay. I don't really care about the outer packaging. The bottle is what I care about, and this is how the Shanaya perfume bottle looks like. Overall, it's a decent bottle. This size is very good for fitting it into my clutch bags and in my purse or in my laptop bag, and I can carry this all over around. You can see the amount of dent that I have given on this one. So obviously, this being an Eau de Parfum, this has lesser projection and lesser performance than the perfume oil. So what I recommend is, if you really have a budget for it, go for the combination of perfume oil along with the layering combination of perfume. Both of them together, they perform really, really well. And you know, just in case if you cannot go for the perfume oil, you're only interested in the perfume performance, then I just want to share that detail as well. So the perfume, around 6 to 7 sprays of this perfume gives me around 5 to 6 hours. And if most of the time I go a little overboard with my sprays, थोड़ा सा ओवर स्प्रे करती हूँ मैं ताकि मुझे 6 से 7 घंटे का कंफर्ट वेयर मिल सके. ये इसका जो परफ्यूम है ये भी प्रोजेक्टिव है, ये भी एक अच्छा सेंट बबल बनाता है. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट गेटर. सो इट्स बेस्ड ऑन योर चॉइस वेदर यू आर कंफर्टेबल विद अ परफ्यूम ऑयल वर्शन और यू लाइक अ नॉर्मल परफ्यूम टू बी स्प्रेड, राइट. आई पर्सनली, माय पर्सनल प्रेफरेंस is the layering combination. Like I like to go with the Shanaya perfume oil first and I layer it with the perfume, and that just makes me
ऑलमोस्ट डन फॉर द डे, लाइक 7-8 hours आई एम गेटिंग अ गुड ओवरऑल अ गुड परफ्यूम परफॉर्मेंस. सो एट दिस प्राइस पॉइंट आई फील दैट इट इज़ वर्थ द मनी. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस वन, ये 50 ml का बॉटल है जो अराउंड 1300 का आता है एंड इसका जो 100 ml है वो करीब 2000 का आता है. सो द परफ्यूम इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बिकॉज यू गेटिंग मोर क्वान्टिटी ओवरऑल. सो मेरे लिए समहाउ ये इतर एंड परफ्यूम 50 ml का कॉम्बिनेशन इज अ गुड अफोर्डेबल कॉम्बो फॉर मी. बट ये एक बार खत्म होगा तो आई मे एक्चुअली गो फॉर द बिगर बॉटल, द 100 ml बॉटल, बिकॉज आई थिंक दैट इज मोर अफोर्डेबल ऑप्शन. क्योंकि आदिल कादरी के वेबसाइट पे ऑफर्स रहते हैं, डिस्काउंट रहता है, सो यू डोंट रियली हैव टू पे 2000 rupees. यू कैन गेट द 100 ml बॉटल फॉर अराउंड इन द रेंज ऑफ 1300. सो आई डोंट रियली माइंड दैट प्राइस पॉइंट फॉर 100 ml और द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन. सो ओवरऑल दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ लाइक अ रोज फ्रेग्रेंस विच ऑन विच यू हैव स्प्रिंकल्ड सम सैफ्रॉन, यू हैव स्प्रिंकल्ड सम वुडीनेस, यू हैव एडेड द कैरमल सिरप एंड यू हैव एडेड सम इंसेंस. ओवरऑल लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल मिडिल ईस्टर्न वाइब विद अ मॉडर्न टच ऑफ चॉकलेट इन दिस फ्रेग्रेंस. आई काइंड ऑफ लाइक दिस फ्रेग्रेंस, आई डू एंजॉय दिस एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, सो आई लाइक दैट पार्ट ऑफ इट एज वेल. ओवरऑल माई रेटिंग फॉर दिस perfume is around 9 out of 10. I think this being an Indian perfume brand is really doing well for the pricing, for the ithers that they are bringing into the market. I'm quite happy and satisfied with the quality of this perfume. So that's it for today's video. I hope that you enjoyed watching this. And Shanaya Gold bhi maine purchase kiya hai, so I am going to cover that review as well. Stay tuned for that. And thank you so much for watching. Subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.